क्या जबरदस्त मैच हुआ आईपीएल। कैसे मैच देख के दिल करता है कि यार आईपीएल ना ही बंद हो, लेकिन क्या करें, हालात भी इतने ख़राब हैं, इतने लोग, इतने केसेस हो रहे हैं, ये तो होना ही है। लेकिन फिर भी जब ऐसे मैचेस देखो तो फिर दिल करता है यार ना ही बंद हो, इंटरटेनमेंट ना चलती रहे। खैर देखी जाएगी, तो बोर्ड का फैसला है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वलीद रोह। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज कितना ज़बरदस्त मैच हुआ है, क्या ज़बरदस्त मैच था। क्या दिल्ली ने कम बैक किया है, आरसीबी ने क्या ज़बरदस्त डिविलियर ने बाड़ी खेली है। ए बी डिविलियर की तो जितनी तारीफें की जाए कम है, मतलब मुझे समझ नहीं आती कि वो बंदा क्यों अभी तक अपनी टीम, उसने इतनी जल्दी रिटायरमेंट क्यों ले ली। अभी तो उसका जिसको कहते हैं ना अरूज शुरू हुआ था, लेकिन बेचारे ने क्या कर दिया, इसको तो वर्ल्ड कप खेलना चाहिए था। बहुत ज़बरदस्त बाड़ी खेली उसके बाद जो हिटमायर ने आज कर दी है, क्या ज़बरदस्त काम किया है उसने। मतलब कि जो मैच एकदम नीचे हुआ था, उसने एकदम उस मैच में जान डाल दी। एक रन से दिल्ली हारा है, वो एक रन कौन सा था आप सब जानते हैं, वो एक रन कौन सा था। जब आरसीबी बैटिंग कर रहा था, एबी डिविलियर ने सिंगल ले ली, कैसे ले ली, हिटमायर ने थ्रो की और ऋषभ पंत साहब विकेट कीपर पे आए ही नहीं थे, वो पीछे खड़े हुए थे सुकून से, वो बड़ी एंड पे आए तो एबी डिविलियर ने सिंगल चुरा ली। ये जो कमेंटेटर्स ने भी इस चीज़ को काफ़ी बोला था कि ऋषभ पंत ने ये अच्छा नहीं किया, काफ़ी लेजीनेस दिखाई है। अब आप देख सकते हैं कि वो एक रन अगर वो ना हुआ होता उस टाइम, तो आज दिल्ली ये मैच जीत चुका होता, क्योंकि एक रन से हारा है। ऐसे ऐसे एक एक रन काउंट होता है। लेकिन क्या ज़बरदस्त मैच हुआ है, मतलब कि आरसीबी में विराट कोहली क्या करके आए हो, मतलब ये क्या हो क्या गया है। इतना तो कभी आरसीबी ऐसा नहीं हुआ कि लगातार अपने 5 मैच ही जीत जाए, एक हारे बस, लेकिन कुछ ना कुछ तो हो गया। मतलब कि विराट कोहली की बेटी विराट कोहली के लिए लकी चार्म साबित हो गया। मुझे लग रहा है कि आरसीबी फाइनल में जाने वाला है, और इसका मुकाबला होना किससे है, दिल्ली के साथ ही, क्योंकि दिल्ली जितनी स्ट्रॉन्ग लग रही है इस टाइम, दिल्ली ही आरसीबी को टक्कर दे सकती है फाइनल में, ये मुझे लग रहा है ये हो जाएगा। रही बात, अब बात कर ली जाए थोड़ी आईपीएल की कि क्या होने वाला है। मैं सुनने में आया है कि दोबारा से, मैं न्यूज़ देख रहा था तो पता चला कि न्यूजीलैंड बोर्ड ने कह दिया कि आईपीएल में उनके प्लेयर्स खेलेंगे, ये अच्छी बात है। ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने अभी तक कोई फैसला नहीं दिया, लेकिन न्यूजीलैंड बोर्ड ने इजाज़त दे दी अपने प्लेयर्स को कि वो सुकून से आईपीएल में खेलें। उसके अलावा सुनने में आया है कि एडम जैम्पा और रिचर्डसन अभी तक मुंबई में फंसे हुए हैं, उनके साथ बेचारों के साथ क्या हो गया, कोई मुझे पता, कमेंट में बताएगा कि क्या हुआ उनके साथ। रही बात आज पीएसएल की रिप्लेसमेंट ड्राफ्टिंग थी, पता नहीं क्यों कर रहे हैं सब कुछ, हालात इतने ख़राब हैं फिर भी लोग रिस्क ले रहे हैं पीएसएल का, देखी जाएगी। अब देखें कौन से प्लेयर्स पिक किए गए हैं, अगली वीडियो में इंशाल्लाह उस पर बात करते हैं पीएसएल की ड्राफ्टिंग के ऊपर। बहुत ज़बरदस्त मैच था आज, आईपीएल का मैच देखे बहुत मज़ा आया, टाइम ज़बरदस्त पास हुआ, ऐसे ही मैचेस होते रहे तो मज़ा ही आता रहेगा। क्या ज़बरदस्त पिछले मैचेस भी हुए, यही वाला मैच भी कितना ज़बरदस्त था। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए।